अब नागराज नागलोक में रहती थी और वहीं से नागलोक को चलाते थे, क्योंकि उनके पास ही ये जिम्मेदारी थी। वो जादुई मणि थी, पर नागराज के अलावा उस नागलोक पर एक इच्छाधारी नागिन भी रहती थी। वो नागलोक के सभी नागों को अपने वश में कर लेती, उनसे लड़ाई करती और उन्हें कैद कर लेती थी। उन्हें कैद करने से उस इच्छाधारी नागिन की शक्तियां बढ़ती जा रही थी और इसी कारण नागराज भी काफी चिंतित थे। मुझे लगता है वो इच्छाधारी नागिन ऐसे ही अगर अपनी शक्तियों को बढ़ाती रही तो एक दिन वो नागलोक पर कब्जा कर लेगी। हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ स्वामी, आप सही कहते हो, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर इन सब में हम अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकते। बेटा, तुम धरती लोक पर जाओ, वहाँ पर काफी अच्छे इंसान रहते हैं, और ये नागमणि भी तुम साथ में ले जाओ, ताकि हमें अगर कुछ हो जाए तो तुम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ सको। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, मैं धरती लोक पर चला जाता हूँ। ऐसा कहते हुए वो नागराज का पुत्र धरती लोक पर आ जाता है। इधर इच्छाधारी नागिन नागराज से लड़ने के लिए आ जाती है। इच्छाधारी नागिन की शक्तियां काफी बढ़ चुकी थी। नागराज और उस इच्छाधारी नागिन के बीच में लड़ाई होती है। इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों से नागराज को और उसकी पत्नी को हरा देती है और एक बोतल में कैद कर लेती है। इच्छाधारी नागिन देख लेती है कि नागराज का पुत्र धरती लोक पर गया है मणि लेकर। अब उसे मणि चाहिए थी ताकि उसे नागलोक का सिंहासन मिल सके। तो तुमने अपने पुत्र को धरती लोक पर भेज दिया है। कोई बात नहीं, मैं उसके पीछे जाती हूँ और नागमणि लेके आती हूँ, वो भी मेरा कैदी बन जाएगा। ऐसा कहते हुए वो इच्छाधारी नागिन धरती लोक पर चली जाती है। इधर नागराज का पुत्र एक खाली जगह देखकर वहां पर बिल बनाकर रहने लग जाता है। यहाँ धरती लोक पर वो जमीन एक गरीब किसान की थी, तो वो बेचारा खूब सारी मेहनत किया करता, पर वो जमीन बिल्कुल बंजर पड़ी थी। ओहो, मेरा भाग्य, कितने दिन हो गए मैं इस धरती पर इतनी मेहनत करता हूँ, पर यहाँ पर फसल उगने का नाम ही नहीं ले रही है। आखिर मेरा क्या होगा, ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगा। तभी वो किसान देखता है कि उसके खेत में एक बिल बना हुआ है। ये क्या, ये तो मैंने पहली बार देखा है, मेरे खेत में नागराज का बिल। इसका मतलब नागराज मुझसे नाराज हैं, इसीलिए मेरे खेत में कुछ नहीं होता है, मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो किसान अपने घर के अंदर जाता है और वहां से दूध लाकर बिल के बाहर रख देता है और वहां से चला जाता है। उस दूध को देखकर नागराज बिल से बाहर आते हैं, दूध को पीते हैं और वहां से चले जाते हैं। किसान अगले दिन जब वहां पर आता है तो वो देखता है कि जिस बर्तन में उसने दूध दिया था वहां पर सोने के सिक्के रखे हुए हैं। नागराज मेरे से खुश हो गए, इसीलिए उन्होंने मुझे ये सिक्के दिए हैं। धन्यवाद नागराज, अब मुझे मरने की जरूरत नहीं है, अब मुझे मरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान सोने के सिक्कों को उठा लेता है और उस बर्तन में दोबारा से दूध डाल देता है। अब उसका रोजाना का काम था नागराज को दूध पिलाना, और इधर नागराज रोजाना उसे कभी सोने के सिक्के देते तो कभी चांदी के सिक्के देते तो कभी कभी खाने की वस्तुएं भी दे दिया करते थे। किसान इन सब चीजों से काफी अमीर हो गया था। इधर इच्छाधारी नागिन उस मणि वाले नाग को ढूंढते हुए फिरती रहती है, पर धरती लोक पर आकर इच्छाधारी नागिन की शक्तियां खत्म हो गई थी, इस कारण वो उसे अपनी शक्तियों से नहीं देख सकती थी। पर एक दिन इच्छाधारी नागिन खड़ी होकर सुन रही थी, तभी किसान की पत्नी ने कहा,
ए जी सुनते हो, ये नागराज हमें कभी चांदी के सिक्के देते हैं, तो कभी सोने के सिक्के देते हैं, और कई बार तो सिर्फ खाने की चीजों में ही बहला देते हैं। हमारा तो बहुत नुकसान हो जाता है ना, जिस दिन ये हमें खाने की चीजें दे या चांदी के सिक्के दे। ऐसा नहीं हो सकता कि नागराज हमें रोजाना सोने के ही सिक्के दे, इनके पास तो वैसे भी बहुत बड़ा खजाना है ना। अरे भाग्यवान, आज हम जिंदा हैं और जैसे भी बैठे हैं इतने अमीर बन गए हैं, तो अपने नागराज की वजह से ही तो है। जितना मिले उसमें सब्र करना चाहिए। ए जी आप भी है ना, फायदे की बात आपके दिमाग में ही नहीं बैठती। अरे कुछ फायदा नुकसान नहीं होता पगली, ये सोच जितना मिला है उतना काफी है, और अब मैं बाजार जा रहा हूँ बच्चों के लिए कुछ लेने के लिए। तू ऐसा कर, नागराज को दूध पिला दे। ऐसा कहते हुए किसान वहाँ से चला जाता है अपनी पत्नी को नागराज को दूध पिलाने का काम देकर। ये सब बातें इच्छाधारी नागिन सुन रही थी। वो जान चुकी थी कि किसान की पत्नी लालची है और इस पर उसकी शक्तियां काम कर जाएंगी। इसलिए इच्छाधारी नागिन किसान की पत्नी के अंदर घुस जाती है और उसे अपने वश में कर लेती है, और उसके बाद में वो बिल के पास जाती है और नागराज को पुकारती है। हे नागराज, आपने आज तक कभी हमें दर्शन नहीं दिए, आपने हमें इतना अमीर बना दिया है, तो आप हमें दर्शन दें। ऐसा कहते हुए वो नागिन पत्नी के रूप में बिल के बाहर खड़ी थी कुल्हाड़ी लेकर। अब नागराज जैसे ही बिल से बाहर आए तो किसान की पत्नी ने कुल्हाड़ी से उन्हें मारने की कोशिश की, ताकि उन्हें मारकर सारे खजाने पर वो कब्जा कर सके। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि नागराज के पास मणि और उसकी शक्ति थी, इसलिए नागराज उसकी पत्नी से नहीं मर पाए। उल्टा नागराज ने गुस्से में आकर किसान की पत्नी को झूठ मार दिया और किसान की पत्नी वहीं पर ढेर हो गई, और वो इच्छाधारी नागिन उसके अंदर से निकलकर वहां से भाग गई, क्योंकि उसकी शक्तियां इतनी नहीं थी कि वो नागराज से लड़ सके। इधर जब किसान वापस बाजार से आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मरी पड़ी है। हे नागराज, तुमने ये क्या कर दिया, मैंने तो अपनी पत्नी को दूध पिलाने के लिए बोला था और तुमने इसे डंकी मार दिया, तुमने तो मेरा संसार उजाड़ दिया। किसान, तुम्हारी पत्नी बहुत लालची थी, वो कुल्हाड़ी लेकर मुझे मारने आई थी। वो सोच रही थी कि मेरे पास कोई खजाना है और वो उस खजाने पर कब्जा कर लेगी, इसलिए मैंने उसे नहीं मारा बल्कि उसके लालच ने उसे मारा है। हे नागराज, ऐसा मत कहो, चाहे अपना दिया सब कुछ ले लो, पर मुझे मेरी पत्नी वापस कर दो, मैंने तो तुम्हारी इतनी सेवा की है ना। हाँ किसान, तुम ठीक कहते हो, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसीलिए मैं तुम्हारी पत्नी को वापस जिंदा कर दूंगा, पर अपनी पत्नी को समझाओ कि लालच बुरी बला है। ऐसा कहते हुए नागराज किसान की पत्नी को जिंदा कर देता है और वहां से चला जाता है। जुगनूपुर का दशहरे का मेला काफी अच्छा लगता था, इसलिए दूर दूर से लोग वहां पर मेला देखने के लिए आया करते थे और उस मेले में काफी चीजें बिकती थी। पर इसी तरीके से उस पूरे मेले में सिर्फ मुकेश का ही ढाबा था, इसलिए मुकेश काफी लालची हो गया था। वो अपनी मन मर्जी के तो दाम देता था और लोगों को लाइन में खड़ा रखता था, उन्हें अच्छा खाना भी नहीं खिलाता था और सोचता था, यहाँ पर सिर्फ मेरा ढाबा है, यहाँ अगर राजा भी आएगा तो भी लाइन में लग के ही खाना लेगा और मेरी मर्जी से ही खाएगा। मुकेश ऐसे सोचते हुए पूरे मेले में अपनी मनमानी चलाता था। दशहरे की बात है, नितिन भी उस मेले में घूमने के लिए आया था अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी और बच्चे को लेकर। तो उसके बच्चे ने जिद की, पापा पापा देखो ना, वो बाहर ढाबा है और वहाँ कितनी भीड़ भी लगी है, चलो वहाँ पर कुछ खाते हैं ना। तो नितिन ने सोचा क्यों ना आज बच्चे को बाहर ही खाना खिलाया जाए, तो वो ढाबे पर गया और वहाँ से टोकन लिया
और लाइन में लग गया, पर काफी देर से वहां पर उसका खाने का नंबर ही नहीं आ रहा था और नितिन को देर भी हो रही थी। तो नितिन मुकेश के पास गया और बोला, भाई देखो तुम्हारे ढाबे पर काफी भीड़ लगी हुई है और मेरे पास इतना टाइम है नहीं, तो आप ऐसा करो अपना टोकन वापस ले लो और मुझे पैसे दे दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे ढाबे पर जो आएगा उसे खाकर ही जाना पड़ेगा और मैं पैसे वापस नहीं देता। तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम ऐसे ही जा सकते हो, पर पैसे वापस नहीं मिलेंगे। भाई ये तो गलत बात है, तुम एक तो इतना महंगा खाना देते हो, ऊपर से लोगों को इतना इंतजार करवाते हो। गलत क्या, यहाँ पर अगर राजा भी आएगा तो भी लाइन में लगेगा, तुम क्या चीज हो। तभी वहाँ पर पास में खड़े एक आदमी ने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो मुकेश, तुम जानते हो ये नितिन है, यहाँ के इंजीनियर साहब हैं, जो पास में फ्लैट बन रहे हैं उन्हें यही बना रहे हैं। चाहे ये कोई भी हो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ पर अगर खाना खाना है तो लाइन में लग के ही खाना पड़ेगा, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। तभी नितिन ने सोचा, इस इंसान का घमंड तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर कंपटीशन नहीं है ना, इसलिए ये इतना बोल रहा है और ऐसे ही लोगों को लूटता है। वैसे भी ये 20 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचता है, मैं इसे देख लूंगा। ऐसा सोचते हुए नितिन वहां से निकल गया और थोड़ी देर बाद में वहीं मेले में एक अनाउंस करने वाला आया और बोला, सुनो सुनो सुनो, आपके इस मेले में बहुत अच्छा एक बम रेस्टोरेंट बना है, आप उसमें आइए और अपनी मर्जी से खाइए, कोई ज्यादा दाम देने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें, जल्दी आइए। सारी भीड़ ने वो सुना और वो उसके साथ में चल पड़ी। तभी वहाँ पर सामने जाकर देखा एक बम जैसा रेस्टोरेंट वहाँ बना हुआ है, वो दिखने में एक बड़ा सा सूतली बम लगता था, लोगों को वो बहुत अच्छा लगा। तो वो उसके अंदर घुसे तो वेटर लोगों के पास ऑर्डर लेने के लिए आया और बोला, श्याम जी आपको क्या चाहिए, अनार रोटी या फिर फुलझड़ी, राजमा या फिर चक्री पनीर। लोगों ने ऐसे ऐसे नाम सुने तो वो बहुत खुश हुए और काफी इंजॉय भी किया, साथ ही उसका टेस्ट भी अच्छा था और रेट भी कम था, और उसका मालिक था नितिन। तो नितिन ने एक बम वाला रेस्टोरेंट बनाया अपने नए तरीके से। अब मुकेश के पास भीड़ आनी बंद हो गई तो मुकेश काफी परेशान हुआ। तो ये नितिन मुझसे बदला ले रहा है, इसे मुझे मजाक चखाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए मुकेश नितिन के रेस्टोरेंट में गया और वहाँ पर एक बम छोड़ दिया ताकि वो बम फटे और सारी भीड़ डर के रेस्टोरेंट से भाग जाए और वापस कभी भी रेस्टोरेंट में ना आए। पर ये फटा क्यों नहीं, मुकेश ने देखा कि उसने जो बम छोड़ा है वो फटा नहीं, तो वो उस बम के पास गया और उस बम को उठाकर देखने लगा। वो जैसे ही उसे देख रहा था वो तभी उसके हाथ में फट गया और उसके सारे कपड़े काले हो गए। सब उसे देखकर हंसने लगे और कहने लगे, जैसी करनी वैसी भरनी।